दोस्तों आजकल अर्टिकेरिया, जिसे आयुर्वेद में शीत पित्त का नाम दिया जाता है, और सामान्य भाषा में छपाकी निकलना, पित्ती उछलना, दाफड़ निकलना, जहाँ पे अचानक ही आप देखते हैं कि आपके स्किन पे कोई इरप्शन निकल आता है, आप बैठे होते हैं एक मीटिंग में, आपको तुरंत इचिंग शुरू हो जाती है और बहुत तेज़ बर्निंग यानी कि जलन के साथ इचिंग शुरू होती है, कभी आपका होंठ सूज जाता है, कभी कभी आपको देखते हैं कि कहीं भी स्किन पे जो है एक गोला सा बन जाता है, तो ये सब कंडीशंस अर्टिकेरिया या शीतपित्त या पित्ती उछलना, छपाकी निकलना, इन नामों से जानी जाती है। और इनके वशीभूत होकर, इनसे परेशान होकर आप सालों तक एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो है वो खाते रहते हैं और अपनी एलर्जी को दबाते रहते हैं, लेकिन इससे मुक्ति आपको नहीं मिलती। मित्रों, आज आयुर्वेद का एक छोटा सा घरेलू नुस्खा मैं आपको देना चाहूँगा, जो सालों की आपकी अर्टिकेरिया को हो सकता है कि कुछ ही दिनों में आपको जो है वो मुक्ति दिला दे। तो उसके लिए आपको घर की, आपके किचन की काली मिर्च का सेवन करना है। तो काली मिर्च को आप पाउडर करेंगे, उसके चौथाई चम्मच से आधे चम्मच को सुबह गोघृत, गोघृत का मतलब गाय के दूध से बना घी, उसमें मिला करके यदि आप खाली पेट खाएंगे, उसके आधे घंटे बाद आप कुछ अन्य खाद्य पदार्थ खाएं, और ऐसा आप करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी वर्षों से तंग कर देने वाली जो अर्टिकेरिया है, एलर्जी है, वो आपकी जो है कुछ ही दिनों में ठीक हो सकती है। 2-3 महीने तक इसका प्रयोग जरूर करें तो आप देखेंगे जिंदगी में कभी आपको अर्टिकेरिया या स्किन एलर्जी की दिक्कत नहीं आएगी। पुनः दोहराना चाहूँगा, काली मिर्च जो आपकी अपनी किचन का सामग्री है, उसको आप पीस करके चौथाई चम्मच से आधा चम्मच तक की मात्रा में गाय के घी के साथ मिला करके सुबह खाली पेट खाएं, तो आप देखेंगे कि आपको अर्टिकेरिया यानी शीतपित्त यानी पित्ती उछलना से कुछ ही दिनों में जो है वो निजात मिलेगी, पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी।